सांसद के खिलाफ आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा रोड नहीं तो मतदान नहीं। मतदाताओं ने किया मतदान का बहिष्कार। मतदाताओं को रिझाने और लुभाने का काम करने वाले राजनेताओं पर कैमहरा गांव के लोगों ने एक करारी चोट की है। यहां के ग्रामीणों ने आज रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए मतदान का बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों के द्वारा अचानक मतदान का बहिष्कार करने की खबर जब सार्वजनिक हुई तो अधिकारियों के होश उड़ गए। आनंद फानंद में महौली SDM शशि भूषण राय, क्षेत्र अधिकारी मिश्रित दल बल के साथ कैमहरा गांव पहुंचे और मतदाताओं को समझाने का काम किया। महापर्व शुरू हो चुका है, चारों तरफ मतदान वोट डालने के लिए लोग जागरूक हैं और लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन एक गांव ऐसा है जहां के लोगों ने मतदान करने का बहिष्कार कर दिया है। जी हम बात कर रहे हैं महौली तहसील के ग्राम कैमहरा का, जहां पर सैकड़ों के लोगों में संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं जिन्होंने कहा है कि हम अब मतदान नहीं करेंगे। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने हम लोगों का कतई बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। आइए हम आपको बात कराते हैं, क्या नाम है भैया आपका? कचमान मिश्रा है। क्या है, क्या मामला, क्यों नहीं देना चाह रहे आप? हमारे यहाँ सर रोड का आश्वासन दे के जाते हैं विधायक लोग या सांसद लोग, आज तक रोड तक नहीं बन पाई है कभी भी, कोई विकास। इसके अलावा और कोई समस्या है? इसके अलावा बहुत समस्या है सर, रोड पे जाना चाहें तो यहाँ से पहले भटभरवा जाइए, भटभरवा बछवा जाइए, तब वो मोहली पहुँच पाएंगे। अगर किसी बच्चे की तबीयत भी खराब हो जाए तो यही मर जाएगा, वो अस्पताल तक नहीं पहुँच पाएगा। भैया वैसे आपका कहना है कि यहाँ पर रोड पानी इत्यादि बड़ी समस्या बनी है, क्या लगता है कि यहाँ के जो सांसद है रेखा वर्मा है आपके गाँव कभी आई या नहीं आई? और वो उनको गोला यही है, वो भाजपा के मोदी के जरिए अपना जो है वो लहर समझती है कि हम पक्का जो है सांसद बन जाएंगे। आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है कि मोदी के दम पर रेखा वर्मा सांसद बनना चाह रही हैं। कैमरा पर्सन सानू के साथ रविंद्र सक्सेना, टुडे 24 सीतापुर। ग्रामीणों का कहना था कि इस क्षेत्र की सांसद रेखा वर्मा सहित अन्य जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं उन्होंने हमारे गांव की तरफ देखा तक नहीं, जिसके कारण यहां का विकास कार्य पूर्ण रूप से रुक गया है, शहर जाने का रास्ता तक नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक जनप्रतिनिधि अपनी कार्यशैली नहीं सुधारेंगे मतदान का बहिष्कार जारी रहेगा। रास्ते को रोड की मांग को लेकर उनका ये कहना है कि हम मतदान नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक 10 वोट पड़ चुके हैं सुबह से और हम लोगों का प्रशासन का प्रयास जारी है और अधिक से अधिक संख्या में मतदान का वो किया जाएगा और किसी प्रकार का यहाँ पे मतलब लोगों को ये भयमुक्त किया जा रहा है ताकि कोई मतदान से वंचित ना रहे, जो चाहता है वो आके कर ले, और उनसे भी लगातार बातें चल रही हैं और कोशिश किया जाएगा सबका मतदान। कौन से अराजक तत्व हैं जो इस तरीके से मतदान में बाधा पहुंचा रहे हैं? उनको उनसे बातचीत जारी है, उनको चिन्हित किया जा रहा है, देखा जाएगा उनके खिलाफ अगर अराजकता की कोई भी अगर व्यक्ति ये कहता है कि इस व्यक्ति की वजह से शांतिपूर्ण मतदान में बाधा पड़ी तो उसके खिलाफ जरूरी वैधानिक कार्रवाई, FIR दर्ज कराई जाएगी अगर ऐसा आता है सामने तो कराया जाएगा। थैंक यू।